कुरुक्षेत्र की शाहबाद मारकंडा में वाल्मीकि जयंती के लोगों ने सड़कों पर उतरकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का फूका पुतला। वाल्मीकि समाज का कहना था कि गोहाना में वाल्मीकि सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 13 अक्टूबर को गोहाना में वाल्मीकि समाज को बड़ी सौगात देनी थी, मगर उससे पहले ही संयुक्त किसान यूनियन ने मुख्यमंत्री का विरोध कर दिया, जो वाल्मीकि समाज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। वाल्मीकि समाज का कहना था कि पिछले एक साल में दलित या वाल्मीकि समाज के लिए आंदोलनकारी किसानों ने किया क्या है। मेरा केवल आज ये पूछना है उस किसान यूनियन से, उस राकेश टिकैत जी से, कि जिस किसान और मजदूर का नारा लेकर आप चल रहे हो, क्या आपने एक बार भी पिछले एक वर्ष से किसी मजदूर की बात करने का काम किया है? क्या इस मजदूर की बात या भावना को समझने के साथ साथ आपने किसान यूनियन की बात रखी? हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, आप इसको रखिए। आप माननीय प्रधानमंत्री जी का विरोध कीजिए, हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। आप माननीय मनोहर लाल जी का विरोध कीजिए, हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। परंतु मैं केवल आज एक चीज पूछना चाहता हूँ उस किसान यूनियन के ठेकेदारों से, जो चंद लोग इस देश को और इस समाज को आज दबा कुचला समझना चाह रहे हैं, उन लोगों ने पिछली इस 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी समाज को पता नहीं क्या भेंट देके जाते, उन्होंने विरोध किया तो क्यों किया? प्रदर्शनकारी वाल्मीकि समाज का साफ कहना था कि जब आंदोलनकारी किसान मजदूरों की बात नहीं करते, उनकी आवाज नहीं उठाते, तो फिर वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम से पहले सीएम के आने का विरोध क्यों किया गया? पंजाब के सुटीन के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।